और आज केवल पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग समझ रहे थे, लिख रहे थे, सीख रहे थे, लेकिन आज केवल और केवल हम लोग पढ़ेंगे। और थोड़ा सपोर्ट कर देंगे आप लोग तो परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं आपके लिए नेहा सरल और आसान हो जाएंगे। शुरू करते हैं भौगोलिक पर्यावरण। भौगोलिक पर्यावरण में सबसे पहला टॉपिक आपका आता है सौर मंडल का। किसका आता है? सौर मंडल का। ठीक, सौर मंडल। अब सौर मंडल में प्रश्न उठता है कि सौर मंडल में क्या क्या चीजें पढ़ने योग्य? कुछ नहीं है। सौर मंडल की एक प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति का एक उत्तर लिखिएगा। कई थियोरियां हैं लेकिन वर्तमान समय में एक बिग बैंग थियोरी है जो सर्वमान्य थियोरी है। कौन सी? बिग बैंग थियोरी। ब्रह्मांड, सौरमंडल की उत्पत्ति ब्रह्मांड से हुई है। ब्रह्मांड से हुई है, सबको शेयर कर देना चाहिए था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? बिग बैंग थियरी से हुई। बिग बैंग थियरी के जनक कौन थे? जॉर्ज लेमेट्रे। कौन है? जॉर्ज लेमेट्रे। दो प्रश्न हो गया। जिस समय ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उसी समय हमारे सौरमंडल की भी उत्पत्ति हुई थी। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बिग बैंग थियरी के अनुसार हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति कब हुई थी, हमारी पृथ्वी का जन्म कब हुआ था, तो आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। 4.6 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। अब आते हैं हमारे सौरमंडल का जो मुखिया है वह सूर्य है। हमारे सौरमंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है। सूर्य एक तारा है। तारा किसे कहते हैं? बाकी सब कुछ जानते हैं, उसमें बस इतना जानना है कि उसमें 72.5% हाइड्रोजन, 26% 72% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य गैसें हैं। 72% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2.5% अन्य गैसें हैं। हाइड्रोजन टूटकर हीलियम में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन टूटकर हीलियम में बनता है जिससे सूर्य के नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। जिससे सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और सूर्य के पास ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पहला प्रश्न यहां से बनेगा, सूर्य में हाइड्रोजन कितना है? सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। कितनी है? 72%। ऊर्जा कैसे आती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा तारा है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। क्या है? एक तारा है। और जो तारों में रंग होते हैं, तारों में जो रंग होते हैं उससे क्या पता चलता है? तारों में जो रंग होते हैं, कलर होते हैं, उससे तारों की उम्र का पता चलता है। किसी भी तारे का उम्र जो होता है उसके कलर से पता चलता है। काम खत्म यहां से। अब आपकी यूपीटेट में यहां से प्रश्न नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल के पास कुल 8 ग्रह हैं। जो जानते रहिए वो मत लिखिएगा, जो नहीं जानते वो लिखिएगा। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह है कुल? पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक में यम, प्लूटो, कुबेर को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब जो ग्रहों की संख्या है उनकी संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? उसे बौना ग्रह, ड्राफ प्लैनेट कहा गया। ड्राफ प्लैनेट, बौना ग्रह। क्यों? क्योंकि वह अपनी धुरी पे चक्कर लगाने के साथ साथ वह दूसरे की कक्षा को काटता था, इसलिए उसे बौना ग्रह की संज्ञा देकर उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब ग्रहों की वर्तमान संख्या 8 है। इसमें से पहला प्रश्न पूछेगा कि सबसे छोटा ग्रह हमारे सौरमंडल है कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। एस्ट्रोनॉट बेल्ट की पट्टी किन ग्रहों के बीच पाई जाती है? तो दो ग्रहों के बीच। कौन कौन? बृहस्पति और मंगल के बीच आपकी क्षुब्ध ग्रह की पट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से हमारे किस ग्रह पे दुनिया का या सभी सौरमंडल का ज्ञात ग्रहों में सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पे, निक्स ओलंपिया। ग्रहों का कलर पूछता है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। लेड ऑक्साइड की आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण उसे लाल ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण उसे लाल ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है।
ठीक बुध सूर्य के सबसे नजदीक होने के नाते सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगाता है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर पूरा करने वाला एकमात्र ग्रह है कौन सा? बुध। क्यों? क्योंकि वह अपने नजदीक होने के कारण उसकी परिधि छोटी होती है, इस वजह से पहले चक्कर लगा लेता है। फिर उसके बाद सूर्य के सबसे नजदीक होने के बाद भी बुध हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे स्थान पर शुक्र है। शुक्र की खासियत क्या है? उसमें लगभग 95 से 98% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 जिसे आप कहते हैं। हमारे पृथ्वी पर 0.03% में यह स्थिति है कि ठंडक का पता नहीं चलता और गर्मी को समझ में आता है गर्मी क्या पड़ती है। माने हमारे पृथ्वी का जो वैश्विक तापक्रम उसी की वजह से बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग उसी की वजह से बढ़ रहा है और उसकी अधिकता वहाँ 95 से 98% है और इतनी होने के कारण उसे अपारगम्यता गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अपारगम्यता गैस कहते हैं। सूर्य से आने वाली किरणों को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता, रोक लेता, जिस वजह से शुक्र ग्रह प्रेशर कुकर की भांति काम करता है और वहां पे हीटिंग पावर ज्यादा होने की वजह से हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। होना चाहिए बुध को, लेकिन है कौन सा? और उसे चमकीला होने के नाते उसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी आदि उपनामों से भी जाना जाता है, यहां तक कि पृथ्वी की जुड़वा बहन। अब पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नजदीक मंगल और शुक्र में शुक्र उसके नजदीक है। ठीक, शुक्र क्या है? उसके नजदीक है। फिर और आगे बढ़ते हम लोग, अब आते हैं और शुक्र की कोई विशेषता नहीं, लेकिन इसे तारों वाला ग्रह कह सकते हैं। कब? अगर बृहस्पति विकल्प में नहीं दिया गया है तब। अगर दे दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा तारों वाला ग्रह है, वहां पे मंगल बृहस्पति शुक्र भी ऑप्शन में है, तो वहां पे आप बृहस्पति का चयन करेंगे। अगर बृहस्पति विकल्प में नहीं है तब आप शुक्र का चयन करेंगे, क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह है उसके अंदर तारों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए उसे तारों वाला ग्रह कहते हैं। लेकिन शुक्र ग्रह में कार्बन गैस की अधिकता की वजह से, CO2 की अधिकता की वजह से अपारगम्यता होने के कारण क्या होता है? उसकी हीटिंग पावर बढ़ जाती है, इस वजह से उसे क्या कहते हैं? ठीक, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह, सूर्य की बहन, सूर्य की भगनी आदि उपनामों से जाना जाता है। ठीक, पृथ्वी जो भी होगा तो आप लोग दोनों बातें समझ लीजिएगा। अब आता है हमारे पृथ्वी में सबसे हल्का ग्रह कौन सा है और सबसे भारी ग्रह कौन सा है। अगर देखा जाए सबसे हल्का तो शनि है, जिसका घनत्व जो है 0.079। मतलब अगर इस ग्रह को उठा के बाल्टी में डाला जाए, कल्पना करिए इस ग्रह को उठा के आप बाल्टी में डाले तो भी नहीं डूबेगा। ठीक, इतना हल्का है। मैंने पानी का एक मान लिया जाए जिसका है 0.079। सबसे ठंडा ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे जो दूर का होगा वरुण है। सबसे गर्मी पता हो गया, सबसे ठंडा पता हो गया, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। पृथ्वी का घनत्व 5.5 है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5। ये हो गया। अब इसमें पृथ्वी से एक प्रश्न बनेगा, पहला तो ये बनेगा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो जुपिटर ना, जुपिटर एक ग्रह है। जुपिटर माने बृहस्पति, उसका एक सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट है गैनीमेड। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, और यह किसका उपग्रह? बृहस्पति का है। अभी तक ज्ञात ग्रहों में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति है, और शनि दूसरे स्थान पर आता है उपग्रहों की श्रेणी में। उसके पास जो सबसे बड़ा उपग्रह है, जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, उसका नाम है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसे टाइटन कहते हैं। कौन सा है? टाइटन।
और वलय वाला ग्रह किसे कहते हैं? छल्लो वाला ग्रह। शनि के अलावा कौन से ग्रह को छल्लो वाला ग्रह कहते हैं? शनि, फिर अरुण भी, इसे भी छल्लो वाला ग्रह कहते हैं। ग्रहों का कलर पूछा जाएगा, ग्रहों का कलर एक बार हल्का सा देख लीजिएगा। कक्षा छह की भूगोल की पाठ एक में है, कक्षा छह की भूगोल अभी हम आपको पीडीएफ में उपलब्ध करा देंगे। आप घर पहुंचते अभी तो 3-5 दिवसीय क्लास चलेगी, तो हम किसी दिन उपलब्ध करा देंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपको बेसिक की किताबों मिलेगी और बाहर कहीं नहीं मिलेगी। ठीक, किसी ने पूछा था 2 सेलफोन क्यों लगा था? इसी वजह से लगा था, एक बफरिंग हो रहा है। आगे यहां से हो गया बात में पृथ्वी के पास। पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं, हरा नीला ग्रह कहते हैं, सब कुछ आप जानते हैं, उसमें से कोई चीज ऐसी नहीं जो आपको नहीं बताई जाए। एक बात यह, सूर्य पृथ्वी ग्रहों के क्रम में किस स्थान पर है? ग्रहों के क्रम में किस स्थान पर है, माने अगर क्षेत्र देखा जाए किसे? तीसरे पे है, तीसरे पर है, ये याद रखिएगा। ग्रहों से दूरी याद रखिएगा, द्रव्यमान में बढ़ते क्रम में, द्रव्यमान में घटते क्रम में आदि, आप इसे याद कर लीजिएगा। अब इसका भी एक छोटा सा ट्रिक बता देंगे, आपको पूरा याद रहेगा। ये हो गया। अब हमारे सौरमंडल से हमसे उम्मीद नहीं कर सकते कि इससे भी बड़े और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैंने जरूरी नहीं कि इससे भी बड़े प्रश्न पूछ लिए जाए। अब हम आते हैं, अब कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? ये सौरमंडल से आपका प्रश्नों की सीरीज खत्म हो गई। अगर किसी के मन में आ रहा हो कि नहीं ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है, तो खड़ा होकर बोले, हम उसे डिफाइन कर देंगे। कोई प्रश्न किसी के मन में आ रहा हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि खुद आप अपने आप में मास्टर हैं। उपग्रह इन्होंने पूछा, सैटेलाइट की संख्या नहीं पूछा जाए क्योंकि विवादित है, और इस बार पीएनपी ने 500 रुपया शुल्क लगाया है। यदि आपने किसी ने गलत प्रश्न पे अगर आपत्ति दर्ज करते, एक प्रश्न का 500 रुपया। दूसरी बात, इस प्रकार जो इस बार प्रश्न आएंगे अभी तक यूपीटेट के इतिहास में सबसे अलग टाइप के प्रश्न होंगे। ठीक, प्रश्न जाना शुरू हो गया सबके पास से, प्रश्न यही रहेंगे, कूट के प्रश्न थोड़े से बढ़ जाएंगे, दायरा यही रहेगा। उपग्रहों की संख्या केवल पृथ्वी का पूछेगा, एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा जो प्राकृतिक उपग्रह है। मंगल के पास 2 है जो ऐसे हैं जिनके फैक्ट उत्तर आपके पास है। कौन कौन? मंगल, पृथ्वी। पृथ्वी के पास 1 है, कौन सा? चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। यहां से कहानी खत्म हो गई। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं चंद्रमा को पढ़ते हैं। किसको पढ़ेंगे? चंद्रमा को। अब ये बाद में क्लियर होगा, चंद्रमा पुरुष है या महिला है, मतलब स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, वो आप लोग हिंदी वाले सर से क्लियर करिएगा। ठीक, मामा है कि मामी है, ये आप लोग कल क्लियर कर लीजिएगा। अब आते हैं चंद्रमा, चंद्रमा की बात करें, क्योंकि चंद्रमा को प्रश्न पूछे गए हैं, तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो आपको पता है नील आर्मस्ट्रांग है, 10 साल में शुभम जी को देखा था, मैं याद हो गया। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है। अच्छा, कब पहुंचे थे? 1969 में। किससे गए थे? अपोलो 11 से गए थे। 2 व्यक्ति गए थे, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। ठीक, सबको सुना थे, रहने थे, उनका एक स्टेटस लगा था, वही हमको याद आ गया। हाँ ठीक है, वही कि चंद्रमा पहला व्यक्ति पहुंचने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। हाँ, दूसरा उन्होंने पूछा, दूसरा कौन था? दूसरा किसी ने जवाब दिया नहीं पता, उन्होंने पूछा दूसरा कौन था? एडविन एल्ड्रिन। किससे गए थे? अपोलो 11 से। उसके बाद कोई भारतीय भी गया था? जी हाँ, गया था। कब गया था? 1984 में गया था। किससे गया था? बस से गया था, सोयूज टी इलेवन से गया था। किससे गया था? सोयूज टी इलेवन से गया था। यही पूछता है यान, किससे गया था? पैदल तो जाएगा नहीं, बस से जाएगा नहीं, सोयूज टी इलेवन। ठीक है, चंद्रमा की पृथ्वी से 3 दूरियां होती हैं। अब प्रश्न उठता है, किसी दिन हमने लिखवा रहे थे, किसी ने हमसे टोक दिया था, लेकिन हम उस समय बोले नहीं। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रश्नों से वॉकआउट करना पड़ता है कि विवाद में बचना। जैसे किसी चीज की 3 दूरियां होती हैं, आज इसे बताना नहीं चाहिए था। एक दूरी ये होती है, एक दूरी यहां से लेके इस बिंदु से लेके इस बिंदु, दूसरी दूरी होती है, थोड़ा ध्यान देखिएगा ताकि कभी, इसके केंद्र से इसके केंद्र तक। ठीक, तीसरी दूरी होती है, यहां से अगर पृथ्वी ले इस छोर से उस छोर तक। ये 3 ऐसी दूरियां होती हैं
देख रहे हैं इसमें सबसे न्यूनतम दूरी कौन होगी, सबसे अधिकतम दूरी कौन सी होगी। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे दोनों देख रहे हैं, यहाँ दूरी क्या होगी न्यूनतम और यह दूरी, इसमें भी कई होते हैं, इसके केंद्र से इसका परिधि, इसके परिधि से इसका अंतिम बिंदु, इसके अंतिम बिंदु से इसकी केंद्र, तो इसमें भी कई दूरी, लेकिन तीन यूनिक दूरियां होती हैं। अब ये प्रश्न अगर हम कोई विकल्प बताते हैं, कोई प्रश्न बताते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं हमने तो ये पढ़ा है, तो हम अब हमसे कैसे पूछेगा आपने कौन सी दूरी पढ़ी है। ठीक, तो तीन दूरियां होती है, हमें जो पढ़ना है चंद्रमा से पृथ्वी की जो औसत दूरी है 384,400 किलोमीटर है, कितना है 384,400 किलोमीटर। हमने ये दूरी क्यों लिखवाई, जबकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, इसलिए लिखवाई कि प्रकाश की चाल, हमें यहाँ पे मेन प्रश्न था प्रकाश की चाल क्या है। यहां से हमें देखा कि चंद्रमा से पृथ्वी की जो औसत दूरी है 384,400 किलोमीटर है, और हमें जानते हैं प्रकाश की चाल कितनी है, प्रकाश की चाल दो तरह के चाल है, एक तो सीधा सीधा पूछ देगा 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब आधा अंग्रेजी आधा हिंदी लिखे समझ लीजिएगा लाख हिंदी में और किमी मतलब शॉर्टकट स्याही बचाने के लिए, कहां स्याही बच जाए। ठीक है, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या प्रकाश की, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी यह बात कहा था, यदि अगर कोई व्यक्ति प्रकाश से भी तेज चले तो भविष्य में जा सकता है। यहाँ से बम्बई 1600 किलोमीटर है, आपने सोचा भी नहीं बम्बई जाने, बम्बई पहुंच चुके अगर आप प्रकाश की चाल से चलेंगे तो, इसलिए बिजली कड़कती है पहले रोशनी सुना देती है, आवाज बाद में आती है, क्यों, क्योंकि प्रकाश की गति। इसी को प्रश्न को दो तरीके से बनाएगा, पहला बनाएगा 3×10^5 किलोमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या सेम यही कह रहा है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। एक आता है यूनिट चेंज करना कि निम्नलिखित को वैज्ञानिक पद्धति में व्यक्त करिए, तो ऐसे व्यक्त होता है, कैसे व्यक्त होता है, जैसे दे दिया 3000, देखिए गलत ना होने पाए, 5 है सही है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो एक अंक लेते हैं लास्ट अंक 0 हो गया, गुणे एक के बाद 1, 2, 3, 4, 5 0 है 10^5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इसी को मीटर में लिखना होगा तब एक आंकड़ा आपको ये मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक और मिलता है। अगर इसे मीटर में बदलेंगे तो आपको यह भी पता है पैमाना, आपको अमित सर ने पढ़ाया होगा मापन, आपको पढ़ा होगा मापन, नहीं पढ़ा होगा इसलिए क्योंकि शायद आप लोगों को लास्ट में पढ़ाने के लिए रोका गया होगा, कुछ लोग छड़ जाएं, जैसे आज कुछ लोग एंट्री कर लेकर सौर न कम करेंगे इसी वजह से। ये अगर हम जानते हैं 1 किमी = 1000 मीटर, माने 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता, सही बात है, तो इसको अगर बदलेंगे तो कुछ नहीं होगा 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, माने प्रकाश की चाल अगर मीटर में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा यूनिट मीटर में किमी में, परीक्षा में प्रश्न आएगा तो घबरा जाइएगा, रहेगा सरल, और किमी वाले कोई 5 लगाएगा कोई 8 लगाएगा और पता नहीं उसमें किसी एक का सही होगा, कि प्रश्न क्या पूछा है, जो सवाल पूछा है वो किस में है, किलोमीटर में है या मीटर में। गलती सेम ही पूछ लेगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, तो हमारे ऊपर सर पे मत ठेकड़ा मत फोड़िएगा सर, तो आप इतना बताए थे, आप कन्वर्ट करिएगा, चेंज करिएगा, चेंज करना हम इस सर आपको भी पढ़ाएंगे, आपके 4-5 अध्याय रोके गए थे इसीलिए ताकि मैराथन हम लोग खत्म करें। ये हो गया क्लियर, यहां से कोई समस्या नहीं है ना। अब हम आगे आते हैं, अब पृथ्वी से पे प्रकाश आता, एक चंद्रमा का आता है दूसरा सूर्य का आता है, किसका आता है, एक चंद्रमा का दूसरा सूर्य का। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगेगा, जबकि हमें जानते हैं कि प्रकाश की चाल 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जब प्रकाश की चाल 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 384,400 किलोमीटर है, तो 1 सेकंड में 300,000 किलोमीटर गया, 84,000 किलोमीटर जाने में 1.25 सेकंड लगेगा, कितना लगेगा 1.25 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। एकदम लॉजिकल है, एकदम आप लोग लगा लेंगे, और ऐसा भी नहीं कमिश्नर ने गणित पढ़ा भी दिया है, अब बेहतर तरीके से पढ़ाया है 1.25 सेकेंड। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न अगर यह दे दिया तो फिर मत घबराइएगा 1.2 सेकेंड। अब ये कहिएगा सर 1.2 सेकेंड दे दिया सर ने, तो 1.25 कहा था, हाँ तो अगर किसी भी दशमलव संख्या के बाद यदि कोई डिजिट लिखा गया उसके सामने लड्डू बढ़ा सकते हैं, ऐसा अमित सर ने आपको पढ़ाया होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1.20 मीटर सेकंड, सॉरी सेकंड में होगा ना, सेकंड में होगा। अब प्रश्न उठता है कि चंद्रमा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक
कितने समय में पहुंचता है। फिर आज देखते हैं, अब हमें जानते हैं पृथ्वी से सूर्य की भी तीन दूरियां होती हैं, एक होता उपसौर एक होता अपसौर, मतलब एक पृथ्वी के सबसे नजदीक होती है, एक सूर्य से दूर होती है, एक होती है औसत दूरी। तो औसत दूरी जो लगभग है वह 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक, अब हम आते हैं कितने देर में पहुंचेगा, टॉपिक पे आते हैं। एक कम होता है 14.97 होता है, एक 15.2 होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे आते हैं। चंद्रमा का, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट कै सेकेंड, 16 सेकेंड, 18 सेकेंड और 20 सेकेंड, यह तीनों। अगर आपने, हम आपको 16 पढ़ा दिया और 18 आ गया तो कहेंगे सर 16 इसमें विकल्प नहीं है, 18 लगा लीजिएगा, 18 नहीं है तो 20 लगा लीजिएगा। ठीक, अब हम एक किसी एक व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब उम्मीद करते हैं देंगे। दुर्गा प्रसाद जी में कोई है क्या? दुर्गा प्रसाद जी ये बताइएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना सेकंड लेता है? सेकंड कितना लेता है? हाँ, कन्वर्ट करके देखिएगा, जितना जो आपने बताया है वो उतना आ रहा है कि नहीं, देख कर बताइए। अच्छा, गुणा करते हैं लोग, तुरंत कलम चलाना शुरू करते हैं, ये भगवान गणित पढ़ना तो बेकार हो गया। चलिए, हाँ फिर वही मामला आएगा जैसा भी इन्होंने बताया। 496 सेकेंड, 498 सेकेंड, 500 सेकेंड, इस तरह। जब सवाल मिनट और सेकेंड में पूछता है तो उसका उत्तर यह देता है, और जब सेकेंड में पूछता है उसका विकल्प यह देता है। घबराइएगा नहीं, लेकिन मैं आपको तोड़ तोड़ बता रहा हूँ प्रश्नों का एनालिसिस करके कि प्रश्न कैसे आते हैं, उसको जवाब कैसे देना है, वरना पढ़ा पढ़ा बेकार रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, सेकेंड में, ये सब सेकेंड में भैया, देख लीजिए यही बात है का, लिखना पड़ता है का, सेकेंड में ये काम खत्म हो गया। चलिए अब आते हैं, आपने सुना होगा कबाब में हड्डी, अब इसका मतलब क्या होता है, आज तक तो जो अब पूछना पड़ेगा, लोग मुहावरे में पूछते आए हैं इसका मतलब क्या होता है। अब आइए देखते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, अगर कबाब में हड्डी समझ में आ जाएगा, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण भी समझ में आ जाएगा। सूर्य चमक रहा है, यहाँ पे पृथ्वी है, अब इसका प्रकाश पे आ रहा था, कोई बढ़िया लाइट जल रहा था, इन दोनों का काम हो रहा था। ठीक, बीच में क्या आ गया, हड्डी, चंद्रमा आ गया, मून, इसका प्रकाश पर नहीं पहुंच रहा है, किसका प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, किस पर नहीं पहुंच रहा है, ग्रहण किस पर लगेगा, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर कौन सा ग्रहण लगेगा, बस बात खत्म। आप प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से सूर्य ग्रहण कब लगेगा, तीन ऑप्शन देगा, जब सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, जब चंद्रमा सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, इसी से करके चार विकल्प बनाएगा। ठीक, उस दशा में जान लीजिएगा, इसका ये टार जला, यहाँ प्रकाश नहीं पहुंच पाया, बीच में कौन आ गया, हड्डी। ठीक ठीक, इसका चंद्र ग्रहण अगर पढ़ना हो तो यहाँ पे सूर्य चमक ही रहा है, यहाँ पे पृथ्वी आ जाएगी, यहाँ पे चंद्रमा आ जाएगा, ये मून हो गया, ये अर्थ हो गया और ये सन हो गया। ठीक, ये चंद्र ग्रहण हो गया, और जब एक सीध में होंगे उच्च ज्वार आएगा, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीध में होंगे क्या आएगा, उच्च ज्वार, जब समकोण पर होंगे तब लघु ज्वार, इसको मिटाएं। ठीक, ऊपर जाने को ज्वार, नीचे जाने को भाटा कहते हैं। ठीक, भारत से ऊंचा ज्वार कहां आता है, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है, विश्व में सबसे ज्यादा कहां आता है, ठीक खोज के लिख लीजिएगा, और आप लोग को तो हमने पढ़ाया है, उच्च ज्वार। ठीक, अब ये बताइएगा, और अमावस्या पूर्णिमा की बात यहाँ भी अभी बनेगी, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष घटता चांद बढ़ता चांद, ये सारी चीजें हम लोग को से आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक, अभी बता देंगे, समय खत्म हो जाएगा तो मैराथन क्लास की मामला खत्म हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं मानचित्र किसे कहते हैं, अब कहाँ आएंगे, मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र किसे कहते हैं, तो ये प्रश्न भी नहीं पूछेगा, आते हैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। ठीक, पहले तो ये जान ली मैप कैसे देखा जाता है, थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो गया कोई मतलब नहीं है, आप समझ लीजिएगा हमने सीधा सीधा लाइन खींचा है। आप इस तरह से मैप खींचेंगे, दीवार पे मैप, जमीन पे मैप, कहीं भी अगर नक्शा देखना होता है उसका तरीका अलग होता है, इस तरह से प्लस का निशान बना होता है, दाएं हाथ की तरफ पूरब होता है जिसे हम ईस्ट कहते हैं, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है जिसे हम वेस्ट कहते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, सर पे नॉर्थ पैर पे साउथ। ठीक, अब डेड बॉडी कैसे सुलाई जाती है, ये सर और पैर ना, ये सर हो गया और ये
पैर, दाएं हाथ पे पूरब, बाएं हाथ पे पश्चिम। ये पूरे कोण को अगर डिवाइड किया जाएगा चार भागों में गणित के दृष्टिकोण से, कितने कितने इसका कोण बनेगा ये? हाँ, नब्बे नब्बे। तो हमको नहीं पता था, गणित हम सर पढ़ाते हैं तो ये लोग पढ़े हैं, हम तो पढ़े नहीं उनसे। तो क्या कहा इसका हो गया? अभी पढ़े रहेंगे तो लिखित परीक्षा में आपको डिस्टेंस, दिशा, दूरी आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अब अगर इसको चाकू से आधा आधा काट दे कितने इंच का हो जाएगा? इसी को यहाँ से अगर काट दिया जाए तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। अब हिंदी में क्या कहते हैं राम जाने, ठीक, क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, इसे पकड़ो चाहे इसे पकड़ो, दोनों मामला सही है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या कहेंगे? यहाँ पे साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, ठीक, चाहे दोनों तरफ से कान पकड़ सकते हैं। ये हो गया 45-45 अंश का कोण। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? चलिए अब हम ये जानते हैं कि मैप में एक मानक दूरी होती है, मानचित्र के लिए एक मापक या मानक दूरी होती है जिसे हमको माप कर पढ़ना होगा, क्योंकि टेट में, सीटेट में एक बार ऐसे प्रश्न भी पूछा जा चुका है। जैसे यदि घर से आपकी कोचिंग की दूरी माना कितनी है? 28 किलोमीटर है। माना यहाँ कोई रमा है और यहाँ कोचिंग सेंटर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है किस तरह से आते हो राम जाने, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बताया मैंने भी? 28 किलोमीटर है। अब इसे कह दिया जाए कि मैप में ड्रा करिए, नक्शे में ड्रा करके दिखाइए कैसे है। तो या तो 28 किलोमीटर लंबा पेपर लाइए, पूरा बनाइए। ऐसे पेपर में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? बनाना पेपर कैसे बनाएंगे? तब माना, क्या माना? माना क्या मानेंगे? है दो तरीके से माना। अगर माना 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो 28 किलोमीटर बराबर कैसे में होगा? अगर आपका जो स्केल है वो 15 सेमी का और 28 किलोमीटर ड्रा करना है तब मानेंगे 1 सेमी बराबर 2 किलोमीटर, ठीक। तो इसको भाग देंगे 28 को, तो 14, तो 14 सेमी की स्केल पे हम इसको क्या कर लेंगे? ड्रा कर लेंगे। अब ये प्रश्न कैसे आएगा, बस केवल बेसिक समझ के रखिएगा, ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। 2 सेमी में ड्रा करना है, 3 सेमी में ड्रा करना है, 5 सेमी में ड्रा करना है, जितनी ज्यादा मैप होती जाएगी आप 1 सेमी बराबर 100 किलोमीटर भी ले सकते हैं और उसको ड्रा कर देंगे आराम से। समझ में आ गया? किसी कोई समस्या? फिर से बता, हाँ दोबारा बता देना, फिर लिखिएगा प्रश्न, लिख लीजिएगा। यदि जौनपुर से मुंबई की दूरी 1600 किलोमीटर हो, 1600 किलोमीटर दूरी हो, 1620 लड्डू, तो उसे 15 इंच के स्केल पर प्रदर्शित करें। अब प्रदर्शित करके बताइए कैसे होगा। अब अगर यहां 1 इंच बराबर 100 किलोमीटर मानेंगे तो 16 इंच हो जाएगा स्केल आपकी, 15 इंच की है, या तो डेढ़ मानिए या तो 2 इंच बराबर कितना मानिए? 200 किलोमीटर। इस प्रकार हम ये देखेंगे कि कितना किलोमीटर है आपका? 1600 किलोमीटर है, डिवाइड करेंगे कितना इंच आएगा? 2 से 8, तो 8 इंच के मैप में वो क्या हो जाएगा? ड्रा हो जाएगा, क्योंकि हमने दिखा दिया 1 इंच बराबर 200 किलोमीटर। ये बहुत आसान लगता है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ये गणित में भी है आपके समय दूरी के नाम से। हो गया। मानचित्र 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, इससे भी कोई मतलब नहीं है आपको।
अब हम आते हैं अक्षांश रेखा के बारे में, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अक्षांश रेखा क्या है? अब वो भूल जाएंगे कि अक्षांश रेखा क्या था, कैसे पढ़ेंगे। अब केवल क्यों जानते हैं अक्षांश रेखा की? अगर प्रश्न पूछा कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो 180 कितनी है? अच्छा ठीक। अगर पूछा पूरे ग्लोब पर कुल कितने अक्षांशीय वृत्त हैं, कितने वृत्त हैं, अक्षांशीय वृत्त पूछेगा, तो 179 आप अपने परीक्षा में जो प्रश्न लगाएंगे, और आप में केवल केवल पूछेगा यही। कुछ अक्षांश रेखाओं के नामकरण, जैसा कि यूपी टेट में पूछ चुका है, आते हैं उनके नामकरण को पढ़ लेते हैं। कुछ यूपी टेट के परीक्षा में पूछा गया है, हो गया। अच्छा इसमें हुआ क्या, हम भी मूर्ख धीराज हैं। बीच से एक रेखा जाती है 0 डिग्री, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसे वृत्त भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत वृत्त भी कहते हैं, क्योंकि ये रेखा पूरे ग्लोब पे गोलाकार होती है। ठीक, इसलिए इसे वृत्त नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? विषुवत वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। वृत्त माने गोलाकार है, इसलिए इसे वृत्त कहते हैं। ठीक, कितना आंसर? 0 डिग्री। ये पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटता है, उत्तर को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उसके ठीक ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ में अगर जाएंगे, क्योंकि प्रश्न में जो प्रश्न आया था आपके परीक्षा में, वही यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का ही जिक्र किया गया था। तो इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ऊपर जाएंगे 66 सही 1/2 डिग्री, ये भी नॉर्थ में। आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वृत्त, ऊपर आर्कटिक सागर, इसलिए आर्कटिक रेखा आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। फिर नीचे 3.5 डिग्री नीचे आएंगे, 23 सही 1/2 डिग्री साउथ, इसका नाम क्या है? मकर रेखा। फिर नीचे आएंगे 66 सही 1/2 डिग्री साउथ, अंटार्कटिका। रेखा या वृत्त, यही प्रश्न पूछा मकर रेखा वाला यूपी टेट 2017 में। बाकी अब हो सकता है कुछ और भी पूछ ले। हो गया, हो गया, चांस खत्म। अब आते थे संतर, ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर ना? दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111.31 किलोमीटर होती है। बाकी अक्षांश रेखा तो हमने आपको अच्छे से भी पढ़ाया होगा। अब आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? ऐसे देखिए, कोई रेखा पृथ्वी पर है नहीं, अच्छा गोला वाला सही नहीं बन रहा है, ये गोला है चौकोर, समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन माना पृथ्वी है, मान लेते हैं और क्या। फिर गुरमा निकल गया, चलिए कुछ भी माना पृथ्वी है। दरअसल कागजी कार्रवाई कम करते, इसलिए हमारा ड्रावरा सही नहीं होता, हम लोग छापने अपने पे लिखने भरोसा कम करते, पढ़ने ज्यादा। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। बीच से खींचा, कुल देशांतर की संख्या 360 है, पूरे ग्लोब पर देशांतर की संख्या 360 है। कुल इसे दो तरह के प्रश्न आएंगे, इसे 24 जोन में डिवाइड किया गया, कितने जोन में? पूरे पृथ्वी को 24 जोन में, 24 जोन में डिवाइड किया गया है। रामचेत जी अभी हमारी तरफ पीड़ित है। चलिए, यहां से 0 डिग्री खींच दिया गया, इसे कहते हैं प्रधान मध्यान रेखा। इसे क्या कहते हैं? प्रधान मध्यान रेखा।
जो कहां से खींचा गया है? जौनपुर से। कहां से? ग्रीनविच। अच्छा, वारिया से। ग्रीनविच। ग्रीनविच कहां? लंदन में। लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से खींचा गया है। 0 डिग्री। इसे प्रमुख यमोत्तर भी कहते हैं, प्रमुख यमोत्तर या ग्रीनविच रेखा। अब प्रश्न आ जाए प्रमुख यमोत्तर, कहेंगे सर हम लोग प्रमुख यमोत्तर तो पढ़े ही नहीं है। प्रमुख यमोत्तर या ग्रीनविच रेखा इसी को कहते हैं। ठीक, कुल संख्या कितनी होगी? 360। इसको कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, इसको कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। इधर जाएंगे समय जुड़ेगा, इधर जाएंगे समय घटेगा। ठीक, 1 डिग्री आगे पूरब की तरफ जाएंगे 4 मिनट समय बढ़ेगा, पश्चिम तरफ आएंगे 4 मिनट समय घटेगा। 15 डिग्री जाने पर 1 घंटे का समय आगे होगा, इस घंटे का समय। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व सूर्य का चक्कर लगाती है, इसलिए सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। सूर्योदय कहाँ होता है? पूर्व दिशा में, मतलब यहाँ पहले सूर्य निकलेगा फिर इधर की तरफ जाता है। ठीक, कहाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूमती है। और हमारे सौरमंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, जहाँ पे सूर्योदय पश्चिम में होता है। बाकी जितने भी ग्रह हैं सब जगह सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो बोल सकता है, नहीं समस्या तब भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं है ना? चलिए, अब सभी का अलग अलग मानक समय। भारत का जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है, का मानक समय 82.5 है, 82 डिग्री 30 मिनट या 82/1/2 डिग्री। कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। 82.5, कभी कभी देखा 82 डिग्री 30 मिनट, कभी 82/1/2 डिग्री दे दिया, तब मिनट में देखा तो ऐसे देगा, डिग्री में देखा तो ऐसे देगा। मामला ये दोनों लिखवाना इसलिए पढ़ रहा है कि हो सकता है परीक्षा में कुछ छोरों पूछ दे। आप कहेंगे तो पढ़ ही ले नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे बुद्धियाँ काम नहीं करती। कोई हो, हम ही होंगे, हमारा नहीं काम करेगा। आपका भले काम कर लेकिन हमारा नहीं काम करता। आपका करता है? बंद हो जाता है ना, इस बार चालू हो जाइएगा, एक दिन पहले चार्ज कर लीजिएगा। ये हो गया, कोई समस्या यहाँ से? अब हम जानते हैं 1 डिग्री पर 4 मिनट जुड़ेगा, तो 82.5 डिग्री अगर पूर्वी गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगे तो समय कितना जुड़ेगा वो भी देख लेते, कितना जुड़ेगा। तो भारत का जो समय है प्रमुख यमोत्तर से +5 घंटा 30 मिनट माने GMT से 5 घंटा 30 मिनट अर्थात 330 मिनट आगे है। कितना? 330 मिनट आगे है। अगर इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं दिन के तो भारत में 5:30 बजेंगे, यदि भारत में 6:30 बज रहे हैं तो इंग्लैंड में 1 बजेंगे। ठीक, ठीक है ना प्रांजल जी, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, आना भी नहीं चाहिए। यहां से कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? हाँ, चलिए। यह भारत का जो मानक समय है, यह 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें से आपके क्या नाम है पड़ोस में मिर्जापुर और इलाहाबाद के नैनी से, या ये तीनों विकल्प कोई भी हो सकता है, या और आई से, भदोही के और आई से होकर गुजरती है भारत का मानक समय। देशांतर भी खत्म। अब पृथ्वी की घूर्णन गति, एक दैनिक गति होती है, वार्षिक गति होती है। दैनिक गति से दिन रात तो होता है, वार्षिक गति और पृथ्वी की झुकाव के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं और दिन रात का छोटा बड़ा होना होता है। अब आते हैं, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं, जब सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती है, कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं जब यहाँ पर सूर्य किरणें सीधी चमकती है, उसका तारीख होता है 21 जून। 21 जून को सूर्य किरणें क्या होती है? कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध का क्या होगा? सबसे बड़ी रात होगी। जब ऊपर दिन तो नीचे रात होगी बड़ी। ठीक, इसी दिन एक दिवस मनाया जाता है, कोई बोलेगा नहीं, आप बताइएगा 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
चले सही है। क्यों मनाया जाता है, पीछे कौन बताया? क्यों योगा दिवस मनाया जाता है, क्यों 22 जून को नहीं? क्योंकि इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मानना यह था कि जिस तरह दिन बड़ा होता है उस तरह यहाँ के लोग दीर्घायु को प्राप्त होंगे, बहुत बहुत उम्र होगा, 150 साल तक जियेंगे और कई प्रधानमंत्री बना के तब मरेंगे ना। लेकिन अब वाले तो बुढ़ापा भी नहीं देख पाएंगे। अगर आप लोग बुढ़ापा के लिए पैसा सेविंग करो तो मत करिएगा। ये हो गया, सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को होगा। और जब 21 जून को क्या होगा, सूर्य क्या होगा, कल क्या आप सीधे चमकेगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे गर्मी पड़ेगी, यहाँ पे सबसे गर्मी होगी, सबसे ज्यादा गर्मी, मतलब गर्मी का मौसम होगा, सीधी सी बात ग्रीष्म ऋतु होगा। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा, सूर्य किरणें सीधी चमक रही है कर्क रेखा पर, उत्तरी गोलार्ध में चमक रही है, कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। अच्छा, वो ऊपर ग्रीष्म ऋतु, नीचे क्या होगी, शरद ऋतु होगी। दक्षिण गोलार्ध में क्या होगी, शरद ऋतु होगी। कुछ पूछना है क्या? यहां तक कहानी समझ में आई? अब आते हैं बीच वाले पे। ये बताइएगा इसे कौन सा रेखा कहते हैं? हाँ, भूमध्य। अच्छा, हम भूल गए थे ना, कौन कितना डिग्री कोण है? अच्छा, 0 डिग्री। अच्छा, जून जुलाई अगस्त यहाँ पे पहुंचती है, कह तारीख को एक पहुंचती है 23 सितंबर को, कह तारीख को, जब 23 सितंबर को सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है, दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होता है। और इसे जब सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है विषु कहते हैं, तो 21 जून को 23 सितंबर को इसे शरद विषु कहेंगे। शरद विषु, कौन सा विषु? शरद विषु। किस नाम से जाना जाएगा? शरद विषु के नाम से जाना जाएगा, शरद विषु के नाम से जाना जाएगा। कहां पे? 21 जून को जो सूर्य किरणें, 23 सितंबर को सूर्य किरणें जब भूमध्य रेखा पर सीधी चमकेंगी, ठीक, दिन रात दोनों में बराबर होगा। इसी के 5 दिन पहले भगवान की पूजा होती। किस भगवान की पूजा? लकड़ी वाले। हाँ ना, अब आते हैं फिर नीचे आएंगे 23 1/2 डिग्री। हाँ राहुल जी बताइए, ये 23 1/2 डिग्री पे कौन सा रेखा होगा? मकर। पहले कर का था यार, यहाँ मकर रेखा सूर्य किरणें सीधी चमकती है उस समय, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन यहाँ का सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा कई तारीख होगी लेकिन यार 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, जहां दिन बड़ी होगी जिस रेखा पे 13 घंटे 20 मिनट की होगी और रात होगी 10 घंटे 40 मिनट की। कहानी खत्म यहां तक, कोई समस्या? जल्दी करिए, आज खत्म करके तुरंत पर्यावरण लगाना है, क्या यही पढ़ते रहेंगे पूरा जीवन काल? हो गया। फिर आते हैं इस समय यहाँ पे नीचे ग्रीष्म ऋतु चलती है, क्या होती है? लेकिन हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। शरद में क्या होती है? खूब कड़ाके की गर्मी पड़ती है, ठंडी आ रहा है ना। देखिए बता रहे हैं, ये शुभ संकेतक है उसके। चलिए, अब फिर यही से ऊपर हो जाता है, फिर वापस आता है, यहां पहुंचता है 21 मार्च को। किस मार्च से 22 मार्च 21 मार्च को फिर सूर्य किरणें कहां चमकती हैं? भूमध्य रेखा पे। अच्छा, भूमध्य रेखा सीधी चमकती है, दोनों गोलार्ध दिन रात क्या होता है? बराबर। तो इस दिन कौन सा विषु कहते हैं? शरद विषु। कौन सा विषु? शरद नहीं, बसंत विषु। बसंत विषु, बसंत, बसंत विषु होगा। यहां पे क्या होगा? यहां पे जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकता है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, हमारे यहाँ शीत ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध जिस समय शीत ऋतु का आगाज हो रहा है और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का आगाज हो रहा है,
हमारे यहाँ दिन छोटा होगा और उनके यहाँ रात छोटी होना शुरू होगा। ठीक विपरीत काम करता उत्तरी गोलार्ध का दक्षिणी गोलार्ध। हो गया कोई समस्या? कोनो दिक्कत नहीं है ना कोनो प्रकार की? आगे बढ़ा जाए बताइए जल्दी से। पीछे वाले दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तब आगे आने का व्यवस्था किया जाए। इसके दो ही तरीके हैं, तो पहले आइए आप लोग, इसीलिए थोड़ा सा लेट से आए थे ताकि लोग आ जाए। आज पहला दिन है। हो गया ये रेखा उखा खत्म हो गई। ठीक रेखा किरण ये सब खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पढ़ते हैं सातों महाद्वीप। सातों महाद्वीप में क्या क्या आएगा? एक तो पहला प्रश्न रटा रट आया है, सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे बड़ा कितना बड़ा है? क्षेत्रफल कितना है? कितना क्षेत्रफल? चलिए सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा कौन कौन बताया? आप बताइए उसमें कितने देश हैं? एक देश है, अकेले देश है। ऑस्ट्रेलिया मात्र ऐसा महाद्वीप है जहां केवल एक देश है, सबसे छोटा महाद्वीप। ठीक है चलिए महाद्वीप से खत्म। दूसरा आते हैं हाँ, अरे नहीं यार अच्छा रहेगा अच्छा। देखिए एशिया महाद्वीप से आप लोग परिचित हैं, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा क्या, सबसे छोटा क्या है। जैसे इस समय ठंडी का मौसम आ रहा है तो देखिए अच्छा एक महाद्वीप फिर लंबा हो जाएगा, यानी दीजिए। सबसे गर्म स्थान कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में, अल अजीजिया लीबिया में, दुनिया का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया लीबिया। अल अजीजिया लीबिया दुनिया का सबसे गर्म स्थान। खा लीजिए ना अल अजीजिया लीबिया। हाँ अल अजीजिया लीबिया, उसके बाद लिखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में है ये। अल अजीजिया जगह का नाम है, लीबिया देश है, महाद्वीप अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप में अल अजीजिया लीबिया 58 डिग्री सेल्सियस। कहेंगे कौन बहुत ज्यादा गर्म है, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है। ठीक दुनिया का सबसे ठंडा स्थान बर्कोयांस्क -87 डिग्री सेल्सियस। कहीं 85 कहीं 87 कहीं 86 अलग अलग मिलता है बर्कोयांस्क। अब ये मत कहिए लिख के दिखाइए, हिंदी आप लोग भी पढ़े हैं, हम नहीं पढ़े हैं। बर्कोयांस्क साइबेरिया में, हमें देखिए निकट दृष्टि दोस्त नहीं है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। -87 डिग्री सेल्सियस। कहां पे ये साइबेरिया? साइबेरिया किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। मतलब लिखेंगे साइबेरिया रूस और एशिया, देश है रूस, स्थान है साइबेरिया, महाद्वीप है एशिया। समझ में आ रहा है? चलिए तब आना चाहिए। ठीक सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान, रुक जाइए किससे पूछे, जितेंद्र जी आप बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान। पीछे वाले बताएं, हाँ एकदम पीछे, दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान। किसी की छत होता है? माउंट एवरेस्ट भगवान।
गजब है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा 8,848 मीटर, दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान है माउंट एवरेस्ट। चोटी भाई, चोटी कहना चाहिए था तब आप लोग बता लेते। सबसे गहरा स्थान तब बताएंगे आप ही, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्थ। ये प्लस है समुद्र तल से, वो माइनस है 11,022 मीटर। अच्छा ये है आपके हिमालय में अंतिम जी, जरा बताइएगा बड़े ध्यान से इसको पढ़ रही हैं आप। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? हाँ नेपाल में है, सही बात। अरे ये मेरियाना ट्रेंच कहाँ है आप बताइए जरा, ये मेरियाना ट्रेंच। हाँ आप बताइए मेरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर में, कहाँ? बहुत बड़ा महासागर, कहाँ खोजा जाए? इतना बड़ा प्रशांत महासागर है, एक महा दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, उसमें कहाँ खोजा जाए? खोजा जाए कहीं मिल ही जाएगा। बताइएगा आप लोग कहाँ है मेरियाना ट्रेंच? प्रशांत महासागर में कहाँ है, लेकिन महासागर लिख लीजिएगा प्रशांत। ठीक है हो गया। कौन, ये देश में नहीं होता है, ये सागर में होता है। कौन पूछा देश? देश में नहीं होता। ये हो गया सबसे बड़ा मैग्रो वन, सबसे बड़ा डेल्टा, नदी डेल्टा। हाँ सब जान रहे, तेज हैं आप लोग खुद ही पहले से। और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत आप बताइएगा जरा, तो नहीं बताएंगे। अच्छा इसी से लोग से पूछते हैं जो पहले कहते थे, नहीं बता पाएंगे, सबको बताना चाहिए। किस देश में है? हाँ आपने नाम लिया, समझ में आया। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, किस देश में है? ज्वालामुखी पर्वत कौन सबसे ऊंचा? कोटापैक्सी, क्रैकेट होगा कोटापैक्सी। अच्छा ठीक है, ये पूछा क्वेश्चन रिपीटेड है। किस देश में? इक्वेडोर, इक्वेडोर में है यार। इक्वेडोर कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। इक्वेडोर, इक्वेडोर में है सबसे ऊंचा। यूपीटेट का पूछा प्रश्न है, ये पूछ चुका यूपीटीटी में। पहला प्रश्न बनेगा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी किस देश में? इक्वेडोर में है। इक्वेडोर किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक, क्या हुआ नहीं सुनाई दिया? अरे बाप, स्पीकर लगाना पड़ेगा माइक को, नहीं सुनाई दे रहा है। इक्वेडोर कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कोटापैक्सी क्या है? ठीक, ज्वालामुखी पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचा। सबसे बड़ा नदी तंत्र किसका है? लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए? मिसिसिपी मिसौरी का। और अपवाह तंत्र किसका सबसे ज्यादा है? वो अमेजन का है। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, नदी तंत्र है और नदी भी है। अब किससे पूछे? कोई ऊपर देखे तो पूछे, सब नीचे में देख रहे हैं। हाँ चलिए आप बताइए, सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे दुनिया का?
नहीं पता, मतलब चुन चुन के पूछते, कैसे पूछते नहीं बता पाता। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में कितनी देश की सीमाओं का स्पर्श करता है? 11 देश की। अफ्रीका महाद्वीप 11 देश की सीमाओं को स्पर्श करता है। सबसे बड़ा जैव विविधता वाला देश ब्राजील। अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो जैव विविधता बढ़ेगा घटेगा? सही जवाब, घटेगा। कभी भी लगता हम ही को उठा रहे भगवान, बोझ है। देखिए सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ होगी? 0 डिग्री पे। कहाँ होगी? 5 डिग्री। ये पूछा प्रश्न रिपीटेड का। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ होगी? मैंने पढ़ाया है 0 डिग्री पे। जो जो इसके उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगे जैव विविधता क्या होगी? कम होती जाएगी। ठीक, दुर्गा प्रसाद जी बताएं भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ है? नहीं बताएंगे? हाँ सही जवाब, चौथे नंबर पे विश्व में। पहले 10वें बता, विक्रम हो गया। एकदम पीछे रहा, बताइए हॉट स्पॉट क्या होता है? एकदम पीछे। हाँ हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट क्या होता है? अच्छा ये बता रहे, दो बड़े देश के बीच में कोई छोटा देश आ जाता है उसे हॉट स्पॉट? नहीं नहीं उसे बफर स्टेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बफर स्टेट। उसे बफर स्टेट कहते हैं। चलिए आप बताइए, क्लियर नहीं हो पा रहे, बताइए। क्या हुआ? ब्राजील। ये पूछा प्रश्न है ब्राजील। भारत में केरल, सुने नहीं क्या? 11वें स्थान पर आ गया। हॉट स्पॉट जब मोबाइल का नेटवर्क नेट खत्म हो जाता है तब दूसरे की वाईफाई पकड़ाई जाती है ना, दूसरे की वाइफ को हॉट स्पॉट से पकड़ते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, उसे कहते हैं संवेदनशील क्षेत्र, जहाँ पे जैव विविधता अधिक हो और मानवीय हस्तक्षेप की वजह से लगातार हो, खतरे में हो, उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। हॉट स्पॉट जोन घोषित कर दिया जाता है। इसे भारत का पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट क्षेत्र में घोषित हो चुका है। वहां से यूपीटीडी 2018 का प्रश्न आया था, 16 घास कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। तो यहीं से प्रश्न उठाया गया था, अभी पूछा गया पिछली बार जो टेटी हुआ। 16 घास सोलह घास पश्चिमी घाट में मिलता है। पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट क्या होता है? आप कहेंगे गोमती नदी दो किनारा होता है, एक पूर्वी घाट होगा, पश्चिमी घाट होगा। जौनपुर किस नदी किनारे बसा है? हाँ, एक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आपके जौनपुर से प्रश्न आ चुका है, सिराजे हिंद किसका नाम है? चलिए ये हो गया। द्वीपी महाद्वीप किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं द्वीपी महाद्वीप। द्वीपी महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। विकास जरा आप बताइएगा, दुनिया की सबसे ऊंची पठार कौन सी है? बता दे। पामीर की पठार, तिब्बत की पठार, से दुनिया की छत कहते हैं। तो जरा बताइए किस महाद्वीप में है? हमें ये नहीं पता। अच्छा ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं इसका रिकॉर्ड है जो जवाब नहीं देते। अच्छा साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाता है क्या? मनोवैज्ञानिक कारण हो जाता है क्या ना बता पाने का? एशिया महाद्वीप में
जो भारत में हमारे यहाँ वर्षा होती है गर्मी के ऋतु में, आपको पता हो, जिसे हम लोग कहते हैं कि कराहिम खाए हैं, पौनम खाए हैं, तो इसी के नाते होती है, पामीर की पठार की वजह से होती है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब ये खत्म हो गया, महाद्वीप आते हैं, थोड़ा सा भारत का भी परिचय ले लेते हैं। 5818 अब ये बताइए, ये सब कहानी खत्म हुई, कुछ छूट रहा हो तो बता दीजिए, हमारा ध्यान उतर गया होगा तो फिर, देखिए हमें चलना है एनवायरनमेंट की सेक्शन की तरफ, जल्दी बताइए कुछ छूटा है, कुछ छूटा उठा है। एक प्रश्न आपके यहां से फिक्स आएगा, भारत के मैप के मैप से, कौन सा राज्य कहां है और किसका पड़ोसी कौन है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह पता होगा, नहीं पता होगा तो ठंडी उठन्नी का एक मैप आता है ना, कितने का आता है, कितने का आता है, 1 रुपए का, क्या हुआ, 2 रुपए वाला बढ़िया मैप आता है, हाँ 2 रुपए ले लीजिएगा तब। माना ये भारत का मैप है, माना ये भारत का मैप है, ठीक। तो भारत में कुल कितने राज्य, अभी तक तो देखिए जब तक सरकारी आंकड़ा नहीं प्राप्त हो जाता तब तक यही मानते हैं, ठीक, कौन सा, अभी जब तक नया मैप अपडेट होकर हम लोग को नहीं मिलता है कि 28 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं, तब तक हम लोग 29 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश को भी आधार बिंदु मानकर पढ़ेंगे। जब तक अभी हमें गृह मंत्रालय से या भारतीय मानचित्र सर्वेक्षण विभाग से नया मैपिंग नहीं मिल जाता नए आंकड़ों के साथ, तब तक अभी हम लोग इसी का आधार बिंदु मानकर पढ़ेंगे। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में हाल ही में जो हुआ है, वह यह पूछ लेगा कि भारत में भी हाल ही में किस राज्य को तोड़कर 2 केंद्रशासित प्रदेश बने, ये सब तो आप जानते हैं, कहाँ पर 370 खत्म किया गया, करंट में अगर कभी कभी जाएंगे तो 1-2 प्रश्न नहीं पूछेंगे और ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि इन सभी राज्य की जो सीमा रेखा है उनको आपको याद करना है, कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा सीटेट में भी पूछा है, यूपी टेट में भी पूछा है, यदि आप दिल्ली से भोपाल जाते हैं फिर भोपाल से आप रांची की तरफ जाते हैं, तो निम्नलिखित में से किधर से किधर आपने यात्रा की, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो इस दशा में अगर आपको यह नहीं पता होगा कौन सा राज्य किस स्थान पर है, तो यह बता पाना बेहद मुश्किल है कि कौन सा राज्य कहाँ है। उसके लिए सुबह शाम उठने के बाद केवल मैप का दर्शन करिए, मानचित्रण का दर्शन करिए, सुबह उठने के बाद, जैसे सुबह उठने के बाद रात में नींद खुलने पर मोबाइल छूते हैं पकड़ते हैं कहाँ है, वैसे सुबह उठने के बाद या जब भी नींद खुले तब मैप को देखिए, हाँ उसको, हाँ जैसे उन्होंने बताया ना उसका वॉलपेपर लगा लीजिए भारत का मैप, देखिए किसी ने पीछे से कहा वॉलपेपर मैप लगा लीजिए नक्शा, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कौन कहाँ कहाँ पे है, और एक बार दिमाग में फिट हो गया काम खत्म, ठीक ना। और स्क्रीन क्या कहते हैं उसको, लॉक स्क्रीन पे भी, वॉलपेपर पे भी, DPUP सब लगा लीजिएगा, स्टेटस वो लगा दीजिएगा, जो जो मन हो सब लगा दीजिएगा बात का मैं, जब तक याद ना हो जाए, और नहीं लगाएंगे आज हम लगा देंगे भी, आप नहीं लगाएंगे तो हम लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर राज्यों का क्रम देखा जाए तो साथ में देखते हुए चलते हैं, क्योंकि एक फिर भी सीटेड ने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का पड़ोसी देश है, राज्य है, तो कौन सा भैया जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य, और ध्यान यहाँ लाइए, ठीक है, यहाँ तो हो गया आपका जम्मू कश्मीर, उसके नीचे कौन सा है, एक तरफ पंजाब है और उस तरफ हिमाचल प्रदेश है। अच्छा मैप अभी ड्रा करके दिखा देंगे हम एक दिन, पूरी मैपिंग आपको याद होनी चाहिए, जिससे अगर कोई अगर यहाँ उंगली रख दे तो आपको ये बता देना चाहिए कौन सा राज्य में उंगली पड़ी है, मतलब इतना यही था ना, कौन सा राज्य, अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए मतलब आपको इतना आभास हो जाए किस राज्य में, सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ बता लेते, दिक्कत यहाँ होती है जो 7 सिस्टर है, हाँ हाँ नागमणी और मेघा, हमने बताया है, जरा 7 सिस्टर का कोई नाम बता दे, एक काम करिए इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनको 7 के साथ प्रदेश के नाम नहीं याद है, नहीं याद है, याद वाले ज्यादा होंगे, अच्छा नहीं याद है आपको भी, नहीं याद है क्या भैया, ऐसा ऐसे कहाँ ही कर रहे हैं, आपको भी नहीं याद है, चलिए दबा ले जाइएगा एक पन्ने में लिखिएगा, फिर उसको जलाइएगा घोर के पी जाइएगा, गर्म पानी में तो पीजिएगा,
ठंडा हो जाएगा काम नहीं करेगा, और जीभ नहीं जलना चाहिए, जल जाएगा तो याद नहीं होगा। खौला लीजिएगा पानी, उसके बाद तब पीजिएगा एक घुटका। अरे कितने बाकी लोग को याद है इसका मतलब? बाकी लोग खड़ा करा के पूछे तब, जिन्होंने केवल 5 लोगों ने हाथ उठाया कि हमको नहीं याद है, 6 लोग, 7-8 बस, बाकी लोग को याद है। मतलब बाकी लोग से पूछ सकते हैं, आपको दिमाग है, हमारे पास दिमाग नहीं है क्या? चलो चला के हम नहीं उठाएंगे तो हमारी बेइज्जती कम होगी, हम पूछ के कर रहे हैं ना बाकी। चलिए आपने नहीं उठाया था, बताएं जरा सातों के साथ प्रदेश का नाम बताएं, आपने नहीं हाथ उठाया था। हाँ चलिए आप बताइएगा, साधु का नाम बताइएगा और आप राजधानी बताइए। सर तेजी से बोलिए, पीछे से सुनाई दे, परसों खाना नहीं खाएंगे आप लोग, आज क्या पूछ नहीं सकते। बताइए सर, जल्दी बताइए ना, समय बड़ा बहुमूल्य है। नहीं याद है बताइए, नहीं याद है तो आगे बढ़ा जाए। नहीं आप हाथ उठा लेते, आपसे ना पूछते, लेकिन आपने हाथ नहीं उठाया, मैं लगा आपको याद है। चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका, साधो के सही प्रदेश का नाम, उनकी राजधानी, आप नाम बताइएगा, हम लोकेशन बता रहे हैं। दमन और दीव की राजधानी क्या है? अरे उन्हीं से पूछ रहे हैं अभी, केवल आप लोग सुनते रहिए जिनको नहीं याद है। क्या दमन दीव की राजधानी? अब हमें नहीं पता, आप पता था से पूछते। उसके बाद कौन सी है? दमनदु यहाँ है। हाँ पांडेचेरी को मात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है, ठीक, 3 राज्यों में, कौन कौन? माहे, और माहे यहाँ पे है, कौन कौन सा है बताइए? यनम, पुदुचेरी, कराईकल, माहे। यहाँ पे यनम फिर पुदुचेरी, जिसे आप पांडेचेरी कहते, उसका नाम बदल के पुदुचेरी, कराईकल, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल के तट पर है। हाँ माहे भारत का सबसे छोटा जिला भी है, माहे भारत का सबसे छोटा जिला भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो 4 जगह 3 राज्यों में फैला है पुदुचेरी। पुदुचेरी दिल्ली के मात्र 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा के चुनाव होते हैं, और एक जगह पे 70 सीट है, एक जगह पे 30, 70 दिल्ली में, 30 पुदुचेरी में। आप राजधानी बताइएगा पांडुचेरी का, आपने हाथ नहीं उठाया था, पुदुचेरी है। अच्छा ये तो पता होता है, कौन बतावे कौन नहीं बतावे, कुछ लोग हाथ नहीं उठाते जानबूझ कर, सोचते होंगे हमसे तो पूछा ही नहीं जाएगा ना। ये हो गया, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है बस जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। चलिए अब कौन बताएगा आगे का? आगे का अब तो याद हो गया, हो गया उधर से, समय मिलता है तो आदमी याद कर लेता है, रिविजन कर लेता है। अब आप बताइए सातों का नाम, आपने भी हाथ नहीं उठाया था। अरे अच्छा ठीक है तब, चलिए पीछे दीक्षा जी बताइए, आप सातों के नाम बताइए, राजधानी बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ पे है और किस द्वीप पर है वो? इधर जगह का नाम बताइएगा, अपने आपकी दिशा पहले मैंने पढ़ा दिया था, इसीलिए मैंने दिशा पढ़ा था कि मैं पूछूं तो इधर उधर ना करें आप, अब दिशा बता दे जान जाएगी कौन सी दिशा की आप बात कर रही हैं। हाँ थोड़ा बहुत दक्षिण, अच्छा से पूरा दक्षिण कहेंगे, अगर इसको केंद्र बिंदु मान लिया जाए इसे कौन सा दिशा कहेंगे? दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण ना? दक्षिण पूर्व। यहाँ पे है कौन सा आपका महाद्वीप? अंडमान और निकोबार, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। चलिए ठीक है यहाँ तक। हाँ चंडीगढ़ की राजधानी? हरियाणा, सही जवाब। भगवान आपकी भला करे, हमारा भी भला करे। चलिए आप लोग हंस रहे हैं, अभी आप लोग से पूछते हैं, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ 3 की संयुक्त राजधानी, अकेले चंडीगढ़ है। हाँ गलतियां सबसे होती, इसका ये मतलब नहीं, अभी हम भी पूछते हैं आप लोग से, रुकिए। उसके बाद दादर नगर हवेली, उसकी राजधानी क्या है? सिलवाना का हम नहीं पता, हम सिलवाना पहली बार सुने हैं।
सिलवासा कहाँ पे है मैप में? दादर नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, सिलवासा, दमन द्वीप, दमन, पुदुचेरी, पुदुचेरी। अब प्रश्न आप बताइएगा। हाँ आगे बताइए। अच्छा कुछ लोग आप लोग पढ़ रहे हैं क्या नीचे से कहीं से? तभी तो कहें कहाँ से पढ़ो। आप बताइए लक्षद्वीप राजधानी। अरे कोई बोलेगा नहीं, उसे पूछ रहे हैं, आपसे ही पूछेंगे जिसको इच्छा होगी। हाँ कावा। अच्छा कौवा कहते हैं, अच्छा सही रहता। कवरत्ती, कवरत्ती है, कवरत्ती सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, कवरत्ती है। विकास आओ को मचा है अब आए। कौन सा बचा है अब बताइए आप, कौन सा बचा है? कहाँ है वो राजधानी? कहाँ है? मुंबई। बहुत सही, भगवान आपकी भला करे, साथ में पड़ोसी का भी आपके। और कोई? दिल्ली। दिल्ली की राजधानी अच्छा बताइए आप ही। तब नई दिल्ली भारत की राजधानी? अरे दोनों राजधानी एक है। चले घर से पढ़ कर आइएगा कल। ये हो गया। अब आपको सेवन सिस्टर याद करना है। यहाँ पे सात जो राज्य हैं भारत के, पूर्वोत्तर भारत के, हो गया सातों ना? कैसे प्रदेश कोई छूटा तो नहीं ना? उसमें दो लद्दाख और वो जम्मू कश्मीर बाद में जुड़ेंगे तो 11 हो जाएंगे। अब हमें सेवन सिस्टर 9 हो जाएंगे। अच्छा 9 तो 11 जुड़ रहे हैं, हम भी मंदबुद्धि बालक में। सेवन सिस्टर के नाम बताइए यार। आप बड़े इच्छुक थे कब से बताने के लिए, हमें लग रहा था आपका नहीं कब से मतलब इच्छा थी बताने, इसके पहले बताने के लिए। बता दे रहे हैं। हाँ बताइए। कुछ नहीं सब बताना, सातों बताइएगा नहीं कबाब में हड्डी ना बनिएगा। चलिए आगे प्रश्न को। कौन सातों राज्यों के नाम बताएगा? हाँ बताइए, लिख रहे हैं आप, थोड़ा सा बताइए। सेवन सिस्टर के नाम बताइए। आपका पेन चल रहा है, इसका मतलब आपको पता है बनारस कहाँ कहाँ है। सेवन सिस्टर में कौन सा पूर्वोत्तर भारत का राज्य नहीं आता? एक प्रश्न। सेवन सिस्टर में सात बहनों के पूर्वोत्तर भारत के राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं आता? क्या नाम है पीछे दोनों लोग जी बताइए। आप लोग से आज एक प्रश्न नहीं पूछे। हाँ दोनों लोग आपसे, आपके ठीक पीछे, अंकित के ठीक पीछे दोनों लोग। हाँ सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य नहीं आता जो वहां पे है और उसको सेवन सिस्टर के अंतर्गत गिनती नहीं की जाती? उसकी एक खासियत और है, और वहां से सुपर टेट में प्रश्न था और हम पहले बताया थे आएगा, क्योंकि सुपर टेट में हमारे यहाँ से 22 प्रश्न फंसे थे करंट से, तो एक प्रश्न वो भी था। हमने जो नोट्स दिया था, जो लोग यहाँ होंगे जानते होंगे, अभी भी पढ़ा, यूट्यूब पे भी पढ़ा होगा। 4 तारीख की वीडियो देखे लाइव था मैं, 3 तारीख को लाइव था, 2 तारीख को लाइव था, 1 तारीख को, उसमें से 22 प्रश्न आए हैं सुपर टेट में। हाँ कौन बोला इधर से, धीरे से, तेज से बोली भाई। जब देखिए जब शांत रहता है ना कोई भूसे से करता है तो आवाज सुनाई देती है। इन्होंने बताया सिक्किम। क्या बताया? सिक्किम सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता। हाँ भाग, मैंने कहा सेवन सिस्टर जो सात राज्य जिसको गिना जाता है उनमें सेवन सिस्टर में सिक्किम को नहीं गिना जाता, उनको ले लिया जाएगा तो 8 हो जाएगी, क्योंकि सिक्किम भारत के आजादी समय नहीं था, वो बाद में बना। अनुच्छेद 2 के तहत किससे मिलकर बना? वो जन्म संग्रह द्वारा संविधान के 35वें 36वें अमेंडमेंट माने संशोधन के बाद वो जाके भारत का राज के रूप में स्वीकृत हुआ। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से। सिक्किम और मेघालय भारत के दो ऐसे राज्य हैं, दो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं कोई बोलेगा नहीं, आप बताइएगा। नहीं पता? अरे जिससे पूछते हो रिकॉर्ड नहीं कहता मैं नहीं पता। अब ऐसा पूछना होगा जो कहे हमें आता है। उनकी सीमाएं केवल एक एक राज्यों को स्पर्श करती हैं बस। मेघालय स्पर्श करता है असम को और सिक्किम असम स्पर्श करता है पश्चिम बंगाल को। मात्र ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा केवल केवल इकलौते राज्य को स्पर्श करती है, बाकी जितने भी भारत में राज्य हैं सबकी सीमा दो या दो से अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। मेघालय और सिक्किम, मेघालय असम को, सिक्किम पश्चिम बंगाल को। और एक प्रश्न लिख लीजिएगा, भारत के कितने ऐसे राज्य जिनकी सीमा दो राज्यों को स्पर्श करती है? उत्तर आप खोज लीजिएगा, हम बताएंगे नहीं, उससे दो फायदा होगा आपको, मैप देखना आ जाएगा। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं तीन या तीन राज्यों को स्पर्श करती हैं? ये प्रश्न है।
बाद कितने ऐसे राज्य जिनकी सीमाएं दो राज्य को स्पर्श करती हैं, बाद कितने ऐसे राज्य जिनकी सीमाएं तीन राज्यों को स्पर्श करती हैं। ठीक, चलिए मिथिलेश जी आप एक प्रश्न बताइएगा, भारत में सबसे ज्यादा सीमाओं का स्पर्श करने वाला राज्य? राजस्थान। कितने राज्य को? अपना प्रदेश लोग भूल जाते हैं, हाँ 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला एकमात्र भारत का राज्य है अपना प्रदेश माने उत्तर प्रदेश। अब 8 राज्यों के नाम आप लिख के दिखाइएगा, 8 राज्य कौन कौन से जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अलग प्रावनी पढ़ेंगे, दिल्ली से लोग काल आते हैं, कौन बिल्ली कानी बिल्ली ना। ठीक, ये हो गया। सेवन सिस्टर के नाम कौन बताएगा? हाँ बताइए, कहाँ कहाँ है विश्वक्रम बताइए। चलिए देखिए इसका याद करने का ट्रिक क्या है, अब बताएंगे कि बताएं। सेवन सिस्टर का ध्यान से सुनिएगा, सबसे नोक पर ऊपर अरुणाचल प्रदेश अरुण था, कौन था? अरुण। अरुणाचल प्रदेश उसके ठीक नीचे, अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे नाग था, नाग जानते हैं कीड़ा वाला, नागालैंड था मतलब बिल में था अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे और नागालैंड के पास नीचे मणि था, मणि जानते हैं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर, मणिपुर के बाद दोनों मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं? दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है? मिजोरम। क्या हो जाता है तब? मिजोरम। कितने हुए? यही मिजोरम के सामने छोटा सा लटका हुआ है त्रिपुरा, त्रिपुरा छोटा सा, और त्रिपुरा तीन तरफ अन्य देश से माने बांग्लादेश से घिरा है और एक तरफ केवल भारत से, इसलिए बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा को जीरो लाइन कहते हैं, शून्य रेखा, हाँ शून्य रेखा कहते हैं। ठीक, कट हुआ 5 हो गया, बड़ी जल्दी हुआ। अब यहां पे नाग था, नागमढ़ी था नहीं, इसके ठीक सामने मेघा है, मेघालय, हाँ कितने हुए? मेघालय के ऊपर अरुणाचल प्रदेश के नीचे असम, ये है पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनें, 7 सिस्टर। 9 हो गए, अच्छा तभी कह रहे 9 कहां से हो गए, 7 ही बोले हैं, 7 राज्य है इसको 7 7 सिस्टर कहते हैं, यही 7 जिसे गिना है, 7 राज्य थी इनको, 7 सिस्टर पूर्वोत्तर भारत की 7 राज्य, क्योंकि इनकी जो यहाँ पे बाउंड्री लाइन है ये बहुत पतली है, अगर अभी आपने देखा डोकलाम का जब मामला आया था, अगर थोड़ा सा चीन सक्रिय हो जाए, भारत निष्क्रिय हो जाए, ये 7 राज्य टूटकर अलग हो जाएंगे। ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य, ये हिस्सा कभी अखंड भारत का हिस्सा रहा करता था, ये भी हिस्सा अखंड भारत का हिस्सा ये भी रहा, लेकिन भारत की आजादी के बाद ये सब अलग अलग हो गए। और इसे अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम, अच्छा छोटा सा प्रश्न पूछेंगे, उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? कोई नहीं बोलेगा, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम, गलत। क्या नाम है? क्या नाम है पीछे? आर्यावर्त, हाँ सही है, और कोई? संयुक्त प्रांत। ये भगवान, अपने प्रदेश का नाम आपको नहीं पता, जिस प्रदेश में रहते हैं इसका पुराना नाम क्या था? संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पुराना नाम। आप इसी प्रदेश में रहते हैं बताइए, और आपको अपने प्रदेश के बारे में नहीं पता। हो गया यहां तक कहानी, आगे बढ़ा जाए। अब अरुणाचल पुराना नाम तो आप लोग बताइए क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम मेघालय कौन बोल दिया?
क्या नाम है बताइए, क्या नाम है? ईटानगर की राजधानी यार। गजब गजब क्यों लोग हैं, कोई नहीं बताएगा क्या अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम? आप लोग बताइए भाई साहब पुराना नाम क्या है? चाइना ने अटैक किया था उसी लिए नेफा। ये तो नहीं पूछा जाएगा, छोड़िए आप लोग नेफा। और बाकी नदी तंत्र आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, नदी उदी याद बताना नहीं है, मेला बचा है। अच्छा आज खत्म, खींच के खत्म किया जाएगा। अब आगे बढ़ा जाए। भारत में 7 पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमाएं भारत के 17 राज्यों को स्पर्श करती हैं। कितने राज्यों को? 17 राज्यों को। वो 7 देश की सीमाएं कौन कौन है मैंने आपको लिखवा दिया है कि बचपन में बीए किया, बचपन में बीए किया। आपने बीए किया होगा, हमने बीए किया था। ठीक, बस से बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा रेखा वाला भारत का एकमात्र देश, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है इसकी। दूसरे पे चीन, तीसरे पे पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश दो बार कहा था क्या, बांग्लादेश हो गया ना, भूटान, फिर अफगानिस्तान। अजय भाई आप यार दो बार बांग्लादेश कहाँ से आ जाएगा? हाँ आप बताइए जरा। तो ये भूटान, इन्होंने पूछा ये भूटान की राजधानी क्या है, बताइए पीछे आप ही कोई बोलेगा नहीं। हाँ ये भूटान नहीं पता, हमको भी नहीं पता, एकदम पीछे जरा बताइए दोनों लोग। तो आप बताइए वहां से लोग बोले तब नहीं सुन पाए आप लोग। हाँ थिम्पू। अच्छा आप किससे? अच्छा आप बताइएगा जरा तो म्यांमार की राजधानी। म्यांमार का बताइए राजधानी क्या है? पड़ोसी देश का तो अफगानिस्तान बताइए। अच्छा आप काबुली है ना। अच्छा एक ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा केवल एक राज्य को स्पर्श करती है। किसको? इसकी एक विशेषता और भी है, यह भारत का ऐसा राज्य है सबसे छोटी सीमा वाला जिसकी भारतीय भूभाग में स्पर्श तो करती है लेकिन सबसे मूल भूभाग में पूछेगा तो भूटान, क्योंकि यह सीमा पीओके में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर के कब्जे में है। ठीक है पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में। और पूरे भारत में 3 प्रकार की सीमा रेखा है, एक कहते हैं बॉर्डर, सुना आप लोगों ने नाम ना, एक बॉर्डर और क्या है, अच्छा जल सीमा थल सीमा। हाँ एक होता है LOC और LIC कौन बता बॉर्डर होता है, LOC होता है और LIC होता है क्या? भारत में 3 तरह की सीमाएं हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और बॉर्डर। बॉर्डर कहां पे होता है? जहां पे सीमाएं निश्चित होती हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पे सीमाएं निश्चित नहीं है, भारत और यहां पे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। LIC भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक ये 3 तरह की होगी। हाँ और उसमें थल जल तो अलग है, ये मतलब जो बटा हुआ हिस्सा है उसका है। सीमाएं भी 3 प्रकार की हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ऐसे मैंने बता दिया, अब उसको लिखिए मत सुन लीजिए, जानते रहिएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर, ये हो गया। अब आगे क्या किया जाए? अब हम आते हैं भारत के इन पड़ोसी देशों की, देखिए आप क्या करेंगे, राजधानी याद कर लेंगे, इनकी मुद्रा याद कर लेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ये बांग्लादेश की राजधानी क्या है? हम भूल गए मैं। हाँ हाँ सही है, आप लोग हंसने का लगते हैं, अरे भूल जाते हैं हम अचानक, याद है कौन सी याद पूछना चाहिए। ये हो गया,
ठीक है, ये हो गया। अब आते बात की जल सीमा की, बात करते हैं समुद्र सीमा। तो नौ राज्य हैं, कौन कौन है देख लेते हैं। यहाँ पे गुजरात जीजे, महाराष्ट्र यमयच। अच्छा शॉर्टकट लिखा कर देते हैं आप लोग, इसी सब सीख लीजिए। मैप भरते हैं, देखते हैं, सब लोग लिखते हैं महाराष्ट्र, मर जाता जल्दी से। काम चलाऊ लिखा करिए, शॉर्टकट मारिए। इंडिया जुगाड़ पे टिके तो आप लोग भी जुगाड़ लगाइए। ठीक, हाँ देखिए अभी हम लोग लिखेंगे महाराष्ट्र यमयच करिए। ठीक, गुजरात जीजे हुआ, फिर नीचे आएंगे कर्नाटक होगा, गोवा होगा, पहले गोवा। अच्छा छोटा सा पिद्दी सा गोवा है, पहले कर्नाटक है। अच्छा फिर अब यही छोटा सा क्या है, गोवा, इधर से पूरा बेचारा कर्नाटक फैला है, इधर से आपका पहुंच पाए महाराष्ट्र। ठीक, गोवा का जीओ, कर्नाटका का के एन, हाँ नहीं के ए कर देंगे केरला हो जाएगा। फिर नीचे केरल के ए। तो पांच राज्य पश्चिमी घाट के हैं जिनकी सीमाएं समुद्र तल को या अरब सागर को स्पर्श करती हैं। कौन कौन? ऊपर से गुजरात, सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे छोटा सा गोवा, फिर उसके नीचे कर्नाटका, उसके नीचे केरला। ठीक, अब बताइएगा जरा केरल की राजधानी क्या है। अरे यार ऐसे कैसे होगा, आप बताइए केरल की राजधानी। दुर्गा प्रसाद, केरल की राजधानी। लिख के दिखा कगजे पे। कौन कर रहा है, बहुत कठिन हो। चलिए कहां थे हम लोग, पांच राज्य पश्चिमी घाट को सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक, अब आते हैं ये पूर्वी घाट के चार राज्य समुद्र तट को स्पर्श करते हैं। चारों के नाम आप लोग जानते होंगे, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। नीचे सबसे कौन सा, यहाँ पे तमिलनाडु, बहुत सही। तमिलनाडु क्या लिख रहे हैं आप लोग, टीएन, हाँ। उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, एपी, एपी, और टीएन टीएन दो होता है, इसीलिए समझ लीजिएगा, एक तेलंगाना होता है, तमिलनाडु होता है, टीएम होता है, टीएन होता है। ठीक, ऊपर आएंगे ओडिशा, ओडी, कहा बताओ तो, समुद्र तट से लगे हुए भारत के पड़ोसी राज्य। देखिए ये, देखिए ये है क्या आपका तमिलनाडु। ठीक दुर्गा प्रसाद जी, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये है आपका ओडिशा, और ये है आपका पश्चिम बंगाल। तो चार राज्य ऐसे हैं भारत के जो बंगाली खाड़ी को अर्थात समुद्र सीमा बनाते हैं, और ये भारत के कितने हैं, पांच ऐसे राज्य, कुल नौ ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भारत के समुद्र तट से लगती है। यह क्रम सीटेट 2019 7 जुलाई वाले प्रश्न में पूछा है, पूछा है, पेपर ही नहीं दिए होंगे, दिए थे, याद नहीं है, याद कर लीजिएगा। हाँ ठीक, पूछा था इसीलिए मैंने करा दिया, आप ये जानते रहें। जल संधि, स्थल संधि, ये भी आप जानते हैं, ये तो ये आप, हाँ सैलेश नाम है ना, हाँ दरअसल उस दिन याद हुआ इसलिए कि दो सैलेश हैं, एक आप है, कौन है नहीं पता। अच्छा ये पाक जल संधि किन दो देशों के बीच, कोई बोलेगा नहीं, भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, किनके बीच है पाक जल संधि, अथवा पाक, नहीं उसे बाद में पूछेंगे, बताइए। कोई नहीं है दुर्गा प्रसाद। अच्छा पाक जल डबरू मध्य किनके बीच है, हाँ वही है, सही बात। पाक जल संधि या पाक जल डबरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच, पाक जल संधि या पाक जल डमरू
मध्य। आप लोग के पास मैप नहीं होगा, मैप हम तुरंत भेज दे रहे हैं, ठीक। आप मोबाइल खोलिएगा, आपके पास तुरंत मैप चला जाएगा। पहुंचा? पहुंच गया ना? हाँ। पहुंच गया आप लोग के पास? भेजे ही नहीं अभी, हमारे खुदा डालूंगा। पहुंच गया बताइएगा, ठीक है, पहुंच गया बता दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया भारत का परिचय, से इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब यहां से पूछा जाएगा पठार से, पठार में भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, रटा रटा लिख लीजिएगा। थालघाट, पालघाट, भोरघाट, दर्रे कहाँ हैं? थालघाट, पालघाट, भोरघाट, दर्रे कहाँ हैं? थालघाट, हाँ, ताल, ताल पाल भोर, थालघाट, पालघाट, भोरघाट, दर्रे कहाँ हैं, किनको जोड़ते हैं? भोरघाट, सुबह वाला भोरघाट। अरे भेजेंगे तब तो जाएगा, अभी हमारे में डाउनलोड नहीं हुआ। ठीक है, अभी आप देखिए कहां पे है ये। दूसरी बात, ये कहां पे है ये? पश्चिमी घाट के में भैया, पठार में। और ये पूछा जाने वाला प्रश्न यहां से ज्यादा है, यहां से क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, क्या नाम है? सतीश जी, जरा बताइए काली मिट्टी कैसे बनती है? अगर हंस लियो तब बताइएगा, नहीं तो भी वो भी बाकी रह जाएगा काम, बता भी ना पाए हम। नहीं मालूम? चलिए धन्यवाद, पहुंच गया होगा आप लोग के पास। आ गया, खोल के देखिए इस बार। इस बार क्या है? अरे इस बार भेज चुके हैं। अरे ऐसे काहे मजाक कर, ऐसा हो ही नहीं सकता इस बार ना गया हो। पहुंच गया है, काहे आप लोग मजाक कर रहे हैं? एक तरफ सब में जा चुका है। अच्छा सॉरी, हमने उसमें भेजा ही नहीं, बाकी सब जगह भेज दिया है। आप लोग पास एक मैप पहुंचा होगा, एक नहीं कई मैप पहुंचा होगा, एक होता समझ में आता। पहुंच गया? अरे अब तो पहुंच गया होगा, अब तो झूठ ना बोलिएगा, लेकिन उसमें भेजे ही नहीं थे। हो गया, अब वो सब घर पे खोल के देख लीजिएगा। अब आगे आते हम लोग। ये भारत के परिचय से, यहां से कहानी खत्म। नदी भी हाल ही में पढ़ाए थे, नदी में एक बार रिविजन कर देते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप के विक्टोरिया जलप्रपात से निकलकर कहां जाके मिल जाती है? भूमध्य सागर में। दूसरा फिर आके देखते हैं, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो नदी है अमेजन, तीसरी मिसिसिपी मिसौरी। अमेजन लंबाई में दूसरी, चौड़ाई में पहली। मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र में पहली। भारत की सबसे बड़ी नदी जिसका उद्गम भारत में हुआ, गंगा। आप बता रहे जी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कोई बोलेगा नहीं भैया, आप सबसे पूछेंगे दूसरी सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? भारत की पहली तो गंगा हो गई, गंगा, दूसरा कौन सा? यमुना, सही जवाब। और कोई? गंगा यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसका उद्गम हिमालय से होता है, ठीक। और कोई बताए? भारत की गोदावरी, हाँ, दक्षिणी गंगा ना। दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? सदा नीरा, सदा नीरा क्या है, उसमें वर्ष साल भर भरे रहते हैं। और बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं, ठीक। दूसरी गोदावरी अपवाह तंत्र में, समझदार तो हैं आप। ये हो गया, अब क्या बचे आपका? भारत, हाँ, ब्रह्मपुत्र का एक बार नाम बता देते हैं। जो ब्रह्मपुत्र जहां से निकलती है उसको कहते हैं सांगपो। सांगपो जो भारत में प्रवेश करती है देहांगार से, उसे कहते हैं देहांग। देहांग और आगे जाती है, क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्र और आगे जाती है जमुना। जमुना उधर से आती है पद्मा। जमुना मिलने के बाद उधर से बराक आती है, दोनों को मिल जाती है, फिर वहां से क्या होती है?
इसकी मैंने विस्तृत वीडियो डाली है, आप लोग पूछा देखा आप लोगों ने, उसकी नोट्स बना लीजिएगा। हमने पूरा प्रयास किया था पूरी की पॉइंट देने का, क्योंकि क्लास में उतना लंबा पढ़ाना उचित नहीं है, कि वहां पे आपको इच्छा है आप ज्यादा पढ़िए, नहीं इच्छा तो ना पढ़िए। ठीक, चलिए ये हो गया नदी। नदी से फिर पूछेगा गंगा नदी। गंगा नदी कहां से निकलती है? ठीक, एक सतपथ से, संतोपथ से निकलती है, दूसरी गंगोत्री से निकलती है, फिर दोनों आगे आती है, एक अलकनंदा और इधर से भागीरथी मिलके गंगा होती है देवप्रयाग में। ठीक, फिर गंगा पिंडार ये सब नहीं पढ़ा रहे हैं। फिर नीचे से आती है हरिद्वार में, हरिद्वार से मिलने के बाद फिर पैदल चलती है। पैदल कहाँ चलती है? पांच राज्यों में 2525 किलोमीटर लंबी यात्रा करने के बाद, ये सबसे कम यात्रा कहाँ करती है? छत्तीसगढ़ में नहीं जाती। कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। सबसे कम यात्रा कहाँ करती है? झारखंड में। कई किलोमीटर? 40 किलोमीटर। ठीक, कहाँ करती है? झारखंड में। और पांच राज्यों में जब पहुंचती है पश्चिम बंगाल में, दो पत्रिकाओं में टूट जाती है, एक का नाम हो जाता है भागीरथी, एक का नाम हुगली। भागीरथी आगे चली जाती है बांग्लादेश से पद्मा, और पद्मा मिलती है किसके साथ? जमुना। फिर जमुना बराग मिलके मेघना हो जाती है। इधर से हुगली निकलती है बगल से, दामोदर के साथ मिलते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। दामोदर नदी को में प्रदूषण सबसे ज्यादा है, इस कारण ज्यादा है कि वह निकलती है कहां से? नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से, रांची के पठार से निकलती है, ब्रंश घाटी से कोयला होते हुए निकलती है, इसलिए उसमें अवसाद की मात्रा अधिक होने के कारण यमुना के बाद सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी वो भी है। ठीक, हुगली नहीं है, दामोदर। और दामोदर में सबसे पहली परियोजना की शुरुआत की गई थी, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक, क्योंकि पहले इसकी वजह से बाढ़ आते थे कहां पे? पश्चिम बंगाल में। तो पहले उसे सोक कहा जाता था, दामोदर को। ठीक, दद्दसु डैम बना लिया गया पश्चिम बंगाल का, बंगाल में सोक कहा जाता था। भारत का पहला डैम बना है उसी नदी पर, दामोदर नदी पर ही। और नदी से प्रश्न आपका आएगा कावेरी से हो गया, अमरकंटक, अच्छा वो भी नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, भारत में सोन नदी, सोनरेखा नदी ऐसा, इसके बेसिन में सोना पाया जाता है, इसकी बेसिनों में, हाँ सोन और सोनरेखा में। जाके खोजिए, कभी नहाने जाइएगा तो हाथ ऐसे ऊपर करिएगा, हो सकता है निकल जाए सोना ये, इसीलिए लोग ऐसे जल देते, हो सकता है कभी कभी सोना आ जाए। अच्छा चलिए ठीक। अच्छा, भारत में कोयला ढोने वाली नदी रूर है। रूर कहाँ? यूरोप की नदी है। अच्छा, यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपसे को प्रश्न पूछा, यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही जवाब वोल्गा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी? एशिया महाद्वीप की, इस वाले बेंच में बताइए आप, एशिया महाद्वीप की सबसे, बताइए जी, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछ रहे हैं, एशिया महाद्वीप, अपने महाद्वीप की, ब्रह्मपुत्र, उससे बड़ी नदी नहीं है। यांग टीसी क्यांग, यांग टीसी क्यांग, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी यांग टीसी क्यांग, ऐसे टाप करिएगा। अभी जितना पढ़ा है तुरंत इसका टेस्ट कराएंगे, तुरंत तुरंत, मतलब जैसे क्लास खत्म होगी तुरंत टेस्ट कराएंगे, उसके बाद अगली क्लास चलेगी, आपके मोबाइल तुरंत प्रश्न पत्र पहुंच जाएगा तुरंत। हाँ तुरंत अभी, हाँ अरे तो बना के रखा गया था सब, हाथ का लिखा प्रश्न है, नहीं हाथ का लिखा प्रश्न है, केवल प्रश्न विकल्प, प्रश्न विकल्प है, आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाएगा पेपर, जैसे ये खत्म होता तुरंत। थोड़ा सा तेजी से काम करना होगा, नहीं हो गया? 70 प्रश्न है। हाँ हाँ, ये हो गया यहाँ से, यहाँ से कोई समस्या आपको? आप भारत के राज्य से परिचित हो जाइएगा, पठार से बहुत प्रश्न नहीं आएंगे, नदी से प्रश्न आएंगे। अब एक वन है, वन आपका एक टॉपिक छोड़े हुए हैं, ये अंतिम दिन आखिरी टॉपिक पढ़ाएंगे वन, और भारत का वन और वर्ल्ड के दोनों वन एक बार पढ़ा देंगे, क्योंकि एक बार मैंने वन को हल्का सा पढ़ाया है कहाँ कैसे वन मिलते हैं, लेकिन एक बार और पढ़ा देंगे, हाँ जैव विविधता के अनुसार, मौसम के अनुसार उसको पढ़ा देंगे। यह टॉपिक आपकी यहीं पे क्लोज होती है। एक छोटी सी बात, यदि आपको कहीं से लगता है कि ये चीज़ें छूटी हुई हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, माही लूनी कोई भी फेरियार, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, पूछिए। हाँ, ये मैंने दर्रा इसलिए पूछा क्योंकि आपके सिलेबस में दक्षिण का, दक्कन का पठार भी है, और ये तीनों पठारी
अभी तक आपने जितने भी दर्रे पढ़े होंगे सारे दर्रे यहाँ पे होते हैं आपके हिमालयी क्षेत्र में जो पर्वतों काट बनते हैं, लेकिन ये तीन दर्रे ऐसे हैं जो पठारी क्षेत्र में बने हुए हैं। और दर्रे को आप अगर खोजेंगे तो आप उस राज्यों से परिचित हो जाएंगे जिसका मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आज मैंने जितना प्रश्न लिखवाया है उस प्रश्न का एकमात्र उद्देश्य है आप अगले दिन भारत के सभी राज्यों से परिचित हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हमने इसी तरह से प्रश्न को बोला है, क्योंकि आप उस नक्शे को कम से कम 5 बार देखेंगे। काहे काहे देखेंगे? क्योंकि मैंने ऐसा प्रश्न नहीं बोला है कि भारत कितने ऐसे राज्य जिनकी सीमा 2 राज्यों का स्पर्श करते, गिनेंगे बार बार और राज्य को लिख लिख कर गिनेंगे। तो मेरा उद्देश्य केवल आपको राज्य से परिचित करवाना है। जैसे जब आप एक परीक्षक बनेंगे आप में शिक्षण भी जुड़ गया है, शिक्षण भी पढ़ाना है, तो आपका मतलब यह नहीं है कि बच्चे से आप प्रश्न पूछे उसका बेचारा जवाब ही दे। आपको मूल्यांकन ऐसा नहीं करना है, ऐसा प्रश्न पूछे जवाब सब दे। ठीक, जैसे एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि जवाब सब देंगे, अब छोड़ दिया जाए ताल गाट फाल मिला आपको? मैंने एक मैप भेजा, उस मैप में है, आपने कभी खोला नहीं होगा। टेलीग्राम, जैसे मैंने कहा टेलीग्राम में इंस्टॉल करिए, सर्च करिए दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए इलानी में दुर्गेश साथ आप जुड़ जाएंगे। आपने अभी खोला नहीं होगा उसको ना? नहीं हम अच्छा रूम पे आरती भोजन होने के लिए। हाँ ठीक, क्योंकि अमित सर आप लोगों को पढ़ाएंगे 11 बजे से, आपको पता होना चाहिए, आपको टाइमिंग दी गई थी 11 से 2 पढ़ाएंगे। अभी वो थोड़ा रेस्ट पे हैं। अभी हम लोग फिर आप पढ़ेंगे एनवायरनमेंट का सेक्शन, ये भौगोलिकल सेक्शन क्लियर हुआ। अगर यहाँ कोई समस्या आ रही हो तो आप पहले पूछ लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। मैप अगर आपके पास पहुंचा ठीक है, नहीं पहुंचा होगा तो उसके लिए कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। पहुंचा आपके पास? पहुंचा? ऐसा हो नहीं सकता नहीं पहुंचेगा। पहुंचा है? अच्छा अच्छा, पहले उसमें दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का मैप है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्षेत्रफल वहां पे आपके दिख गया, पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं, पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं, किसकी सीमा कितनी लगती है, कौन सा सीमा लगता है, ये हो गया। ठीक, माने एक अध्याय आपका पहले मैप में खत्म है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जो पहला मैप आपके सामने से खुलकर आया होगा। खुला आपका? कुछ कह रहे हैं नेट ही नहीं चल रहा है। अगर इसका नेट नहीं चल रहा उसको पानी में खोला दे मोबाइल डाल के। 5G की स्पीड चलेगा 4G। फिर आगे अगला जो मैप है आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। प्रतीक आएंगे नहीं आज? नहीं आए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक ये आपका है, प्रतीक में सभी आ जाएंगे, पतले वाले प्रतीक, मोटे वाले प्रतीक, लंबे वाले प्रतीक, चौड़े वाले प्रतीक, सभी आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी, आप लोग के पास ही पहुंच गया होगा इस तरह का मैप, से तुरंत ओपन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे है, आपके ग्रुप में है, उसमें सब कुछ है ना। इसको डाउनलोड के लिए कुछ देर बाद गायब भी हो सकता है, इसे आप लोग डाउनलोड के लिए हो सकता है आपको ज्यादा गायब हो जाए वहां से, क्योंकि पब्लिक में डाला गया है। ठीक, आप लोग सेव अप कर लीजिएगा इसे, आगे देखते हैं। अरे क्रम से एक एक करके है। हाँ 19 मैप बता रही है, 19 मैप, एक दो मैप नहीं है। अच्छा आगे है, भारत के राज्य एक दृष्टि में, माने भारत के सभी राज्य एक ही बारे में उनके जिक्र किया गया है, किस राज्य की राजधानी क्या है, लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी है। ठीक, और उसका स्थापना दिवस कब है, सभी राज्यों का परिचय एक मैप में। हमें लगा आप खरीदेंगे के बाद पैसे होंगे नहीं होंगे, तो हमने अब जुगाड़ से आपको उपलब्ध करा दिए। फिर हाँ जी बताएं, राजभाषा है। फिर भारत की भौगोलिक विविधता, सबसे गर्म, सबसे ठंडा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पतला, सबसे मोटा, सबसे छोटा। अच्छा, तो सूचना नहीं दिया आपने। ठीक, जमी सर सबकी विविधता इसके बारे में, सबसे बड़ा बांध, सबसे छोटा बांध, एक ही मैप में, इसको पढ़ लीजिए, इसीलिए मैंने आपको भेजा है। आखिर आज मैं इसे क्यों भेजा, मैं एक दिन पहले भेज सकता था, ताकि अगर कुछ छूटा पुटा हो तो वो आपको यहां मिल जाए। फिर आगे, भारत की पर्वतमाला, आप में नहीं पहुंचा क्या? अच्छा नहीं लाया। ठीक, अच्छा आप लोग मोबाइल बचा बचा यूज करते हैं, खत्म ना घिसने जाए। फिर भारत की प्रायद्वीपी श्रेणियां, भारत प्रायद्वीप की भू आकृति,
ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के तटीय पर्वतीय क्षेत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत के प्रमुख पर्वत शिखर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये एक मैप है। हिमालय की 10 सबसे ऊंची चोटियां आप 3 याद कर लीजिएगा बस। भारत के प्रमुख दर्रे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। मिला पेज नंबर आप खोजिएगा, 11 नंबर पे है। मिला खौला दीजिए पानी में, कह रहे हैं उसको तेजी से पटकिए उसको, तब भी हो सकता है तेजी से पटकने के बाद भी स्पीड पकड़ लेती है। भारत की नदियां, भारत की झीलें, भारत के प्रमुख तटीय क्षेत्र। अभी जस्ट किसी ने टेलीग्राम इंस्टॉल किया पीछे इसको, जस्ट टेलीग्राम अभी इंस्टॉल किया है, जस्ट कोई इंस्टॉल किया, जैसे कोई इंस्टॉल करता है उसका नंबर मेरे से पता चल जाता है। फिर एक प्रचार है, उसके बाद फिर भारत का राष्ट्रीय उद्यान। प्रचार इसलिए डालते हैं अगर आप लोग कभी गलती शेयर मार दे प्रचार तो। भारत के बाघ रिजर्व, टाइगर रिजर्व क्षेत्र, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। सिलेबस, भारत का भौगोलिक सिलेबस खत्म है आपका। अब नहीं डाउनलोड आ रहा उसके लिए अब क्या कर सकते हैं? बनाते समय इस बात का ध्यान दिया गया था कोई शेयर मारेगा तो एडवर्टाइज एक पढ़ा देंगे भी। ठीक, आप पढ़ लीजिएगा अगली क्लास की मैराथन, उसके बाद फिर अमित सर आएंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे। आज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये कोई काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय बच्चों की एक पहचान होती है कोई काम कल से करते हैं, आज से नहीं। पढ़ना होता है तो कहाँ से नहीं, कल से पढ़ते हैं हम। आज और अभी वाले हैं।